गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी टाइम समझ रहे हैं आप लोग, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पहले ये बताइए। हाय योगेश, हाउ आर यू वेल? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हेलो प्रियंका, अनिका, नेहा, वर्षा, एवरीबडी। ओके, राजा सिंह, ज्योग्राफी करना है? सी आई नो काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैम आप अभी मेंस नहीं, पहले प्री करा दो। मैं प्री पर फोकस करने वाली हूँ, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, कुछ प्रॉपर देख लेते हैं, क्योंकि आधे बच्चे प्री जा रहे हैं, आधे मेंस जा रहे हैं, तो काफी दिक्कत आ रही है। ठीक है, वी विल फिगर इट आउट, वी विल फिगर आउट समथिंग, डोंट वरी। आवाज आ रही है कि नहीं अभी ये बताओ। आ रही है, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हाटएवर। ठीक है, सो सुबह वाले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम थी आवाज को लेके, कि आवाज नहीं आ रही थी, कम आ रही थी, ईयरफोन्स के साथ ही आ पा रही थी। अभी ठीक है, अभी प्रॉपर है? बाद में फिर मत बोलना कि नहीं आ रही आवाज, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज क्या, कि आई होप ये चीज तुम लोगों को ठीक लग रही है जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। टॉपिक वगैरह डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, बीच बीच में हो सकता है कुछ दूसरे मैगजीन्स के भी आर्टिकल्स मैं लेकर आऊँ, बिकॉज कहाँ से ला रहे हैं वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है। लाइक आई ऑलवेज से, कौन सी बुक पढ़नी है, तुम लोग मेल करते रहते हो, पूछते रहते हो, आई से बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टॉपिक समझ में आना चाहिए और वो कवर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू टॉपिक्स। सुबह हम लोगों ने एक इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल देखा था, विच वॉज दिस स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट इशू। अभी हम कुछ आगे के चार पांच आर्टिकल्स और देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ही। ठीक है, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। सेशन लाइक करते रहना यार तुम लोग, ऐसे शुरू होने के पहले ही आधे लोग डिसलाइक कर देते हैं, बड़ा मजा आता है मुझे। कितना टाइम है इनके पास लाइफ में कि वो आते ही स्पेशली डिसलाइक करने के लिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद मेरा राशन मोबाइल ऐप। ठीक है, यहाँ दिया गया है मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च्ड। अब देखो, अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई बारी बात चलती है, इलेक्शंस जब आए थे तब हमने देखा था वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही थी। ठीक है, अभी हम जीएसटी लेकर आए, वन नेशन वन टैक्स, वैसे ही एक और बात चल रही है विच इज वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम चल रहा है, बात चल रही है इसकी। ठीक है, दिस इज ब्रॉट इन, ये लाया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो आपसे अगर पूछा जाए तो यूजुअली आपको मिनिस्ट्री याद रखनी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्री मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी स्टेट पीएससी दोनों के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पे निकल आएंगी। ओके, सो वी हैव वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। जो जो चीजें हाईलाइटेड है उन पे मैक्सिमम फोकस दिया जाए। ओके, हैज लॉन्च द मेरा राशन मोबाइल ऐप। अब भाई ये जो ऐप है इज डेवलप्ड बाय एनआईसी, एनआईसी का फुल फॉर्म नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, आपको पता होना चाहिए। एंड ये जो ऐप है ये प्रेजेंटली दो लैंग्वेजेस, यानी कि हिंदी और इंग्लिश, जो दो लैंग्वेजेस हैं उसमें करंटली अवेलेबल है, बट इसको प्लान किया गया है दैट दे वुड बी इंट्रोड्यूसिंग इट इन अदर 14 लैंग्वेजेस। कोई और 14 लैंग्वेजेस होंगी जिसमें ये इंट्रोड्यूस करेंगे। अब इन 14 लैंग्वेजेस को हाउ विल दे सिलेक्ट, दीज 14 लैंग्वेजेस विल बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस वेयर मोस्ट माइग्रेंट पीपल मूव। तो यहाँ पे देखा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड क्यों लेकर आए हैं, तो जब कोरोना क्राइसिस के कारण लॉकडाउन आया था कंट्री में, तो जब माइग्रेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे तो दे वर नॉट अलाउड कि वो राशन ले पाए फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस द कंट्री, ऐसा नहीं था। लाइक उनको पर्टिकुलर जो शॉप्स थी नियरेस्ट वगैरह जो भी उनका जहाँ पे रजिस्टर्ड था वो वहीं से ले सकते थे, बट जैसे ही हमने देखा कि माइग्रेंट्स मूव करे, इतनी बड़ी क्राइसिस हमारे सामने आई, उस टाइम पे माइग्रेंट्स को राशन अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, जिस कारण ये वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कॉन्सेप्ट जो सिस्टम था ये और ज़्यादा डिस्कस होने लगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो बाकी 14 लैंग्वेजेस हैं ये उस तरीके से डिसाइड की जाएंगी कि वो स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स मूव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये माइग्रेंट्स का ही रूट कॉज देखा गया था जिसके बाद ये वन नेशन वन राशन कार्ड के वन राशन कार्ड का हमने बात शुरू किया। अब इसके बाद अगर बात करें
तो भाई वन नेशन वन राशन कार्ड के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, या राशन कार्ड से चीज़ रिलेटेड है तो कौन करेगा इसको इम्प्लीमेंट? दिस वुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड। इसको इम्प्लीमेंट करने वाला जो डिपार्टमेंट रहेगा वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, एंड दिस वुड बी अंडर NFSA। NFSA 2013 के अंदर ये किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी अगर इस पॉइंट की हम बात करें, द एक्ट लीगली एंटाइटल्ड 75% ऑफ द रूरल एंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। इस एक्ट के अंदर लीगली ये बोला गया है, अग्री किया गया है कि सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, टारगेट PDS जो है आपका, टारगेटेड PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, उसके अंदर 50% अर्बन पॉपुलेशन और 75% रूरल पॉपुलेशन को ये लीगल एंटाइटलमेंट है। ओके, अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि आप जो बेनिफिशियरीज हैं, पर्टिकुलरली जो माइग्रेंट बेनिफिशियरीज हैं, उनको अलाउ करें, उनको क्लेम करने दें फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी 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 वर्ड पे ध्यान दिया जाए, फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन द कंट्री थ्रू एन एग्जिस्टिंग राशन कार्ड। इनके एक एग्जिस्टिंग राशन कार्ड से, वो राशन कार्ड जो इनका बायोमेट्रिक या आधार ऑथेंटिकेटेड है, उस राशन कार्ड के थ्रू अक्रॉस द कंट्री कहीं पे भी ये किसी भी फेयर प्राइस शॉप से राशन ले सकें। ये इसका मेन मोटिव, एम, ऑब्जेक्टिव है। ओके, इसके बाद स्टेट्स कंप्लीटिंग वन नेशन वन राशन कार्ड, ऐसे स्टेट्स जो ये वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के रिफॉर्म को लाते हैं, इनको एलिजिबल किया जाएगा फॉर एडिशनल बोरोइंग 0.25% की GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, स्टेट का GDP जो है उसका 0.25% की एडिशनल बोरोइंग। कितना बड़ा एक इंसेंटिव दिया है एक तरीके से, कि आप वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम को लेकर आओ, ये रिफॉर्म लेकर आओ, एंड यू वुड बी अलाउड, यू वुड बी एलिजिबल, एक्चुअली आप एलिजिबल हो जाएंगे 0.25% GSDP के बोरोइंग के। ओके, सो दिस वॉज योर वन नेशन वन राशन कार्ड। इसके बाद देखा जाए अगर कि वन नेशन वन राशन कार्ड जो है, इसमें द गवर्नमेंट, जो राशन कार्ड की बेसिकली स्कीम है, इसके अंदर गवर्नमेंट आपको 5 kg सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, 5 kg पर मंथ पर पर्सन 5 kg सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन देती है। इसका एक और एम ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ माइग्रेंट्स पोर्टल विद वन नेशन वन राशन कार्ड कॉन्सेप्ट। ये क्यों भाई? माइग्रेंट्स के लिए ही आया ना, इसलिए माइग्रेंट पोर्टल से इसको मैक्सिमम जो मेजर देखा गया वो माइग्रेंट्स की नीड देखी गई, तो माइग्रेंट्स पोर्टल से उसको लिंक करने की बात करी गई। अब माइग्रेंट्स पोर्टल से अगर लिंक करना है तो दैट वुड बी डन थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सपोर्ट से ये चीज लिंक करी जाएगी आपके माइग्रेंट पोर्टल से। ओके, इसके अलावा दिस हैज़ बीन मेड, ये जो आपका वन नेशन वन राशन कार्ड है, दैट हैज़ बीन मेड अ पार्ट ऑफ स्वनिधि प्रोग्राम। स्वनिधि प्रोग्राम पूरे लॉकडाउन पर सुन सुन के पक चुके होंगे, और आई होप कि ये सब जान चुके होंगे कि स्वनिधि स्कीम क्या है, स्वनिधि का फुल फॉर्म बताओ चलो मुझे, एंड दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर है। तो आप देख रहे हो कि इस वन नेशन वन राशन कार्ड को भी पार्ट बना दिया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि प्रोग्राम का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आता है। सो दिस वॉज योर न्यूज रिगार्डिंग वन नेशन वन राशन कार्ड। समझ आया? इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? और जो लोग नए हैं क्लास में वो मुझे प्लीज बताओ कि हम लोग नए हैं, जो लोग बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे अगर, तो वो लोग भी कमेंट सेक्शन पे बताओ कि क्लास कैसी लगी, तुम लोग क्लास देखी नहीं देखी, कितना अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, डू गिव मी रिव्यूज। ओके, ठीक है, तो ये वाला चीज हो गया, हमने वन नेशन वन राशन कार्ड देख लिया। इसके बाद हम अगले प्रोग्राम पर आते हैं, विच इज E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। अब हम बात करेंगे E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के। ये E3 क्या है? What is this E3? E3 is Energy Efficiency Enterprise. Energy Efficiency Enterprise का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। ये न्यूज में क्यों था? ये मार्च 2021 के करंट अफेयर्स हैं, तो ये रिसेंट में तुम लोगों ने कहीं ना कहीं पेपर में पढ़ा होगा, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इस टाइम पे तुम लोग प्री की तैयारी कर रहे होगे, तो तुम लोगों ने पेपर नहीं पढ़ा होगा।
वापस से पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहो, नहीं तो एंड में फिर आ जाओगे कि आप करंट कहाँ से पढ़ें। इसलिए हमने ये चीज़ें नया इनिशिएटिव और स्टार्ट किया है। सो वी हैव द E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। दिस मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च दिस प्रोग्राम। और ये किस सेक्टर के लिए लाया गया है? दिस हैज बीन ब्रॉट फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फॉर द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस सेक्टर के लिए ये लाया गया है। अब हम इस E3 सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। नाम से क्या समझ में आ रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज। ये कुछ एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, मतलब कैसे एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड बात की जाएगी। ठीक है, सो अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, दिस इज एन एक्रेडिटेशन प्रोसेस फोकसिंग ऑन द ब्रिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये ब्रिक इंडस्ट्री पर फोकस कर रहा है। एक्रेडिटेशन मतलब एक बेसिकली एक थर्ड पार्टी होती है, जैसे मान लो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सो आई एम प्रोवाइडिंग जस्ट अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, ना सिर्फ एक तरीका है एक्सप्लेन करने का, इतना सीरियस मत हो जाना इस बात पे। तो अगर मैं आपको एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ एंड यू आर टेकिंग दिस सर्विस, ठीक है, तो मेरी सर्विस कितनी अच्छी है या नहीं है, ये आप या मैं नहीं डिसाइड करेंगे, इट वुड बी अ थर्ड पार्टी जो ये चीज डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी एक्रेडिट करता है। तो अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज की बात करें, तो ये E3 सर्टिफिकेट मिलता है उन प्रोजेक्ट्स को जो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी यहाँ पे कौन है? दिस सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय BEE विच इज योर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये थर्ड पार्टी आपकी BEE है यहाँ पे, जो कि ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब ये किन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है? ये उन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड किया जाता है जो एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एनर्जी एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स को ये E3 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इसके बाद तो यहां पे हम देखेंगे इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल टू एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, मतलब जो हम रेगुलर एनर्जी रिलेटेड जो रेगुलर एनर्जी स्कीम्स होती थी या जो रेगुलर तरीके से एनर्जी यूजेज होता था, उसकी जगह जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे, उससे हम एफिशिएंट की तरफ मूव कर रहे हैं। हम कैसे एनर्जी का एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, कैसे एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देते हैं, ये शिफ्ट देखा गया है। तो हम एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, इसके बाद द अडॉप्शन ऑफ E3 सर्टिफिकेशन इज करंटली वॉलंटरी फॉर द ब्रिक इंडस्ट्री। ये सर्टिफिकेशन अभी वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है। किसके लिए? ब्रिक इंडस्ट्री के लिए। यहां पर हम जो देख रहे हैं, वी आर फोकसिंग E3 को स्पेसिफिकली आपका ब्रिक इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है? ये E3 सर्टिफिकेशन अगर मिल रहा है तो व्हाट इज द एक्चुअल एडवांटेज? एक तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेविंग, तो एनर्जी सेविंग की बात की जा रही है। आपका एनर्जी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, उनको बचाकर सस्टेनेबली यूज किया जा रहा है। इसके बाद इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स एंड कॉस्ट सेविंग टू बिल्डर्स। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप एफिशिएंट सोर्सेज की तरफ मूव करोगे तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। इसके बाद मॉडर्नाइजेशन ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन होगा, एंड ये जो स्कीम है दिस विल एक्सेलरेट ब्रिक सेक्टर मॉडर्नाइजेशन। और फाइनली जो आपका आत्मनिर्भर भारत का विजन है, देखो मोदी जी जब से आत्मनिर्भर भारत लेकर आए हैं, अंकल जब से आत्मनिर्भर भारत लेकर आए हैं, हम हर सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आत्मनिर्भरता लाई जाए। ठीक है, आत्मनिर्भरता लाई जाए, तो इस कारण से इस सेक्टर में भी ये देखा जा रहा है। इसके बाद ECBC जानते हो क्या होता है? ECBC इज योर एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि आपका ब्रिक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेक्टर रहेगा, ये जो प्रोग्राम रहेगा, दिस विल बी यूजफुल इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ECBC। ECBC आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड जो है वो सर्टेन गाइडलाइंस लेकर आता है कि किस तरीके से आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जानी चाहिए, कैसे एफिशिएंटली बनाई जानी चाहिए, कैसे एनर्जी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, कैसे एनर्जी एफिशिएंट तरीके से बनाई जाए। तो यहाँ पे इसलिए देखा गया है कि ये जो प्रोग्राम है, इसके थ्रू वी वुड बी एबल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ECBC।
अब हमने यहाँ पे देखा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर लॉन्च कर रहा है इसको, एंड दिस सर्टिफिकेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय बीईई। तो अब बीईई के बारे में जान लो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में जान लो, ठीक है। दिस बीईई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन वॉचिंग ऑल माई लेक्चर्स रेगुलरली, वो जानते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है बीईई, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर है। अब अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है तो दिस हैज टू बी अंडर सर्टेन एक्ट, ये किसी पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर आता होगा। तो दिस इज अंडर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? प्रोविजन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। So we are talking about BEE as a statutory body under Ministry of Power, and statutory body by which act? By the Act of Energy Conservation 2001 के Energy Conservation Act से आया है आपका Bureau of Energy Efficiency। Are we clear with this news? क्या हमें ये E3 clear हो गया है तो बताओ। टेल मी, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग इट? चीजें समझ में आ रही हैं? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने एनर्जी, एक हमने वन नेशन वन राशन कार्ड देखा, देन वी सॉ द एनर्जी एफिशिएंसी एंटरप्राइज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। नाउ वी मूव टू द एक्सपेंशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। देखो भाई, मिड डे मील स्कीम के बारे में सब जानते हैं, बट यहाँ पे ये क्यों न्यूज में है रिसेंटली, हम ये बात करेंगे। तो आपकी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी थी विच वॉज रिलेटेड टू एजुकेशन। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में काफ़ी सारी कमिटीज़ होती हैं, तो जो स्टैंडिंग कमिटीज़ थी उसमें एक स्टैंडिंग कमिटी ऑन एजुकेशन थी, जिसने रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया भैया? कि सारे गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑल द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल जितने भी हैं, दे नीड टू स्टार्ट प्रोवाइडिंग फ्री ब्रेकफस्ट। इनको फ्री ब्रेकफस्ट प्रोवाइड करना है जो अभी आने वाला अकेडमिक ईयर है। बच्चों को सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करना है इन द कमिंग एकेडमिक ईयर। ऐसा किसने रिकमेंड किया? दिस वाज रिकमेंडेड बाय दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी। अब देखो भाई, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये रिकमेंडेशन दिया गया, तो आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इट आइडेंटिफाइज प्रोवाइडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन एज वन ऑफ द की लॉन्ग टर्म थ्रस्ट एरियाज। हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो एक तरीके से फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने पर भी फोकस करती है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन और फूड प्रोवाइड करने पर भी फोकस रखती है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसर्चेस बताती हैं कि अगर आप, रिसर्च क्या बताती है, ये बताती है कि भाई स्कूल जा रहे हो तो स्कूल के जो मॉर्निंग आवर्स हैं, अगर उस टाइम पे आप न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट करके जाते हो, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हो, तो आप प्रोडक्टिवली पढ़ सकते हो। आपके जो आउटपुट्स, रिजल्ट वगैरह होंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एंड सबसे ज़्यादा ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे? वो सारे सब्जेक्ट जिनमें कॉग्निटिव रीजनिंग ज़्यादा लगती है, जिनमें कॉग्निटिवली मोर डिमांडिंग सब्जेक्ट्स, यानी जिनका ब्रेन से रिलेटेड एक्स्ट्रा काम होता है। तो कुछ लोगों के लिए मैथ्स जो होती है उसमें बहुत, हम देखते हैं यूजुअली, आप देखोगे असर वगैरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये मेंशनड होता है कि कैसे स्टूडेंट्स जो हैं वो थर्ड क्लास में तो हैं लेकिन वो थर्ड क्लास की मैथ्स भी नहीं जानते हैं, ठीक है, वो लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं ढंग से। तो कॉग्निटिवली यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा डिमांडिंग सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से बच्चे काम कर सकते हैं, बच्चों को समझ आ सकता है। कब? अगर उनको सुबह सुबह न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट मिले। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि भैया इनको सरकारी स्कूल्स में फ्री मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाए। ओके, सिंपल ब्रेकफास्ट करो लेकिन एनर्जाइजिंग करो, एनर्जी आनी चाहिए, सिंपल ब्रेकफास्ट लेकिन एनर्जाइजिंग ब्रेकफास्ट। अब भाई इसमें एक चैलेंज क्या है? व्हाट इज अ चैलेंज हियर? सॉरी, व्हाट इज अ चैलेंज हियर? एक चैलेंज तो ये है कि गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास फंड्स नहीं होते हैं, देयर इज अ फंडिंग क्रंच। ये क्यों बोला गया है? देखो, ऑलरेडी सेंटर का करंट एक्सपेंडिचर 11,000 करोड़ है। मिड डे मील स्कीम के लिए सरकार हर साल 11,000 करोड़ स्पेंड करती है। अगर फ्री ब्रेकफास्ट की बात की जाए तो फ्री ब्रेकफास्ट में एडिशनल बजट लगेगा 4,000 करोड़ का,
ठीक है, एडिशनल बजट 4,000 करोड़ का लगेगा, लेकिन इस साल का जो बजट आया है 2020-21 का, उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऑलरेडी 5,000 करोड़ कम मिले हैं। तो यू सी बेसिकली, इतना नंबर्स पे अगर नहीं जाओ तो भी बस ये ध्यान रखो कि फंडिंग नहीं है, इतना पैसा नहीं आ पा रहा है इस एरिया में, तो कहाँ से गवर्नमेंट आपकी फ्री ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करेगी। ओके, नाउ वी रीड अबाउट मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम के बारे में जानना जरूरी है। आप देखो कि इन सब सी इन ये जो हम पढ़ रहे हैं, इससे कैसे आपके प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंस तो भूल जाओ चलो, लेकिन प्री रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। मिड डे मील से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। सो जस्ट ट्राई फोकसिंग ऑन एवरीथिंग, कोई भी चीज मिस नहीं करना है हमको, बिकॉज अगर हमें टाइम मिला है देन वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर हम इस टाइम को भी जाने देंगे देन अगेन हम आखिरी के 15 दिन में ये क्या पढ़े, ये क्या पढ़े, यहाँ से पढ़े, वहां से पढ़े, नथिंग लाइक इट। अभी टाइम मिला है, उसका फुल यूटिलाइज करो। अभी भी मैं देख रही हूँ क्लास में कितने कम बच्चे हैं, बाकी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। चलो खैर, मिड डे मील स्कीम की बात करते हैं। दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। आपका मिड डे मील स्कीम जो आता है वो एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, और इसका एम क्या है, टू अटेन द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। इसका एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये आपका मिड डे मील स्कीम आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। ओके, इसके बाद यहाँ पे मिड डे मील स्कीम में बोला क्या गया है, इसमें बोला गया है कि आप कुक्ड मील प्रोवाइड करो, हर बच्चे को प्रोवाइड करो। किस एज ग्रुप में, जो 6 से 14 साल का एज ग्रुप है, जो बच्चे फर्स्ट से 8th क्लास तक पढ़ रहे हैं, उनको आप मिड डे मील प्रोवाइड करो। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, ऑब्जेक्टिव इनका एक तो हंगर हो गया, हंगर मिटाना, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना। दूसरा, मिड डे मील स्कीम का जो सबसे इंपॉर्टेंट एम और ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपको बच्चों को स्कूल लेके आना है, बच्चों को एक इंसेंटिव देना है स्कूल आने के लिए, एनरोलमेंट बढ़ाना है, अटेंडेंस बढ़ानी है उनकी। ठीक है, तो एक ये रीजन है। एक और ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग की सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, अगर बचपन से ही हम उसको बच्चों के दिमाग में बैठने नहीं देंगे तो वो चीज ज्यादा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सोशलाइजेशन अमंग कास्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम वही मिड डे मील जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर साथ में सारे बच्चों को, वो बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, बच्चों को तो कास्ट वगैरह पता होती नहीं है छोटे बच्चों को, लेकिन अगर वहां पे जो टीचर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, अगर वो ऐसे कास्ट के हिसाब से बच्चों को डिवाइड करने लगेंगे, तो बच्चों के मन में बचपन से ये कास्ट सिस्टम बैठ जाएगा, जो कि हम इरेडिकेट करना चाहते हैं सोसाइटी से। ठीक है, तो एक मिड डे मील स्कीम में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे बच्चे एक साथ बैठ के खाएं। देर शुड बी इंक्लूजन ऑफ एवरी कास्ट, किसी भी कास्ट को हम अलग ना करें। ओके, इतना समझ आ गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वालिटी चेक की, तो ये खाना कुछ भी नहीं है कि आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा। देयर इज ऑलवेज अ क्वालिटी चेक दैट इज हैपनिंग। एगमार्क जानते हो, एगमार्क क्या होता है, इट इज एग्रीकल्चर मार्केटिंग का एक सर्टिफिकेशन है। एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि बताता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है इंडिया में, वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड के थ्रू, लाइक एक सर्टेन स्टैंडर्ड वाले होते हैं, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं। तो ये एगमार्क क्वालिटी आइटम्स आर प्रोक्योर्ड, वो ही आइटम्स प्रोक्योर किए जाते हैं जो कि एगमार्क के हिसाब से उनको सर्टिफाई किया गया है। ओके, इसके बाद इसके बाद अगर बात करें तो इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। SSMC जो है, स्टेट स्टीयरिंग कम मॉनिटरिंग कमिटी, SSMC जो है, इट ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिड डे मील स्कीम का वो कौन करता है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, हु इज ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील स्कीम, इट इज द SSMC। इसके अलावा देर हैव टू बी सर्टेन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। मैंने आपसे बोला कि एगमार्क का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि कुछ न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड ना, कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे तभी तो सर्टिफिकेशन मिलेगा, तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा उस चीज का। तो ये जो न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स है, ये क्या है कि भाई 450 कैलोरी, 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर फर्स्ट टू फाइव प्राइमरी, ये जो भी है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि देर आर सर्टेन न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स। कोई स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जो आपको मेंटेन करना है, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने पर आपको एगमार्क का सर्टिफिकेट मिलता है, एंड वही आप लोग स्कूल्स में प्रोवाइड कर सकते हो एज मिड डे मील्स। ओके,
अब इनका इनके इश्यूज और चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो भाई बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। खाना स्टैंडर्ड वाला जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसके बाद मैंने बता दिया कि कास्ट बायस और डिस्क्रिमिनेशन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन टीचर्स और एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक तरीके से बच्चों के मन में इस चीज़ को इन तरीकों को पैदा करने में पूरे सफलतापूर्वक वो चीज़ कर लेते हैं कि भाई बच्चों को अलग अलग बिठा दिया, अलग अलग खाना दे दिया, अलग अलग क्यों बैठे हैं, तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है, तुम्हारी कास्ट अलग है। होना ये बिल्कुल नहीं चाहिए, पर कई जगहों पर देखा जाता है कि ऐसा होता है। इसके बाद एक चैलेंज COVID-19 महामारी के रूप में आया। वॉट वॉज इट कि भाई लॉकडाउन हैज डिसरप्टेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज। आपके लॉकडाउन के टाइम पे एसेंशियल सर्विसेज बंद कर दी गई थी, दूर दराज के इलाकों तक खाना वाना नहीं पहुंच पा रहा था, तो आप देख रहे थे कि इस टाइम पे मिड डे मील्स जो थे वो नहीं पहुंच पा रहे थे बच्चों तक। एक चीज यहाँ पे दो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की और एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको ये ध्यान रखना है कि 107 कंट्रीज में से आउट ऑफ 107 कंट्रीज इंडिया की रैंक इज 94। वाओ, कितना पीछे हैं हम लोग। सो इंडिया हैज बीन रैंक्ड 94 अमंग 107 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इस इंडेक्स के हिसाब से द लेवल ऑफ हंगर इन इंडिया इज सीरियस, इसको सीरियस टैग किया गया है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी हालत काफ़ी ख़राब है, इवन न्यूट्रिशन रिपोर्ट में हमारी हालत ख़राब है, एंड हंगर को टैग हमारी कंट्री में एज सीरियस किया गया है। इतना समझ आ गया? अब समझ आ गया है तो बताओ कि यू वॉन्ट टू रीड अनदर आर्टिकल या दिस इज इट, बाद में हम नेक्स्ट क्लास में और आर्टिकल्स लें। ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स लेने हैं कि और आर्टिकल्स कवर करना है यहाँ पे, अभी ये बताओ। वट एवर यू वुड ऑल से, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन टेकिंग अ क्लास लेटर, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम इन टेकिंग अभी आगे, बताओ। वैसे भी कम बच्चे देख रहे हैं, आई डोंट नो वाई। ओके, लेट्स गो विद अनदर आर्टिकल, एक आर्टिकल और कर लेते हैं। सो हम बात, क्योंकि अंकित एंड एक आध दो लोग और बोल रहे हैं, लेट्स रीड इट। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ये सर्ब का है। अब ये है क्या, पहले तो सर्ब पता करो क्या है। इट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड, SERB इज योर साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड। ठीक है, दिस हैज सेटअप अ पोर्टल, इस सर्ब ने एक पोर्टल सेटअप किया है जिस पोर्टल का नाम है प्रिज्म। इस पोर्टल का नाम है प्रिज्म। अब ये प्रिज्म क्या है भैया, दिस प्रिज्म इज प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। ओके, तो ये जो प्रिज्म पोर्टल है ये कौन लेकर आया, सर्ब लेकर आया। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये ऑफर करता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन, रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसकी प्रोवाइड करता है, कई तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट्स की, कई तरीके के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो ये सपोर्ट करता है, इसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, ये पोर्टल प्रोवाइड करता है। कौन सा पोर्टल है ये, प्रिज्म नाम का पोर्टल है। प्रिज्म का फुल फॉर्म क्या है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट, दैट इज प्रिज्म। ओके, अब इसके बारे में हम कुछ की पॉइंट्स जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सर्ब की बात कर ली मैंने, सर्ब को तुम लोगों को फुल फॉर्म बता दिया सर्ब का। इसके बाद ये जो ई प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, दिस इज अ ई प्लेटफॉर्म, दिस विल प्रोवाइड अ होल रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट। सो जितने भी प्रोजेक्ट्स ये सपोर्ट करता है, इनको सैंक्शन करता है, उन सारे प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, उनके उनकी डिटेल्स ये रियल टाइम पे प्रोवाइड करता है आपको इस पोर्टल में। अब इससे फायदा क्या है, इस पोर्टल से ये फायदा है कि आप साइंटिस्ट टू साइंटिस्ट साइंटिस्ट का रिलेशनशिप स्ट्रांग कर रहे हो, सोसाइटी और साइंटिस्ट के बीच का रिलेशनशिप स्ट्रांग कर रहे हो। यू आर जस्ट मेकिंग द सोसाइटी अवेयर ऑफ ऑल द रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक सोसाइटी की तरह, एक नागरिक की तरह, एक सिटीजन की तरह मुझे अगर जानना है तो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, वेरी वेल गेट टू नो फ्रॉम दिस। ओके, इसके बाद वी हैव दिस, इट मे बी लिंक्ड विद इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स सच एज वाटर, एनर्जी एंड क्लाइमेट, एंड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ SSR।
SSR क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली आपका साइंस प्रोजेक्ट्स को सिंपल भाषा में समझ लो, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये इतनी सी बात है कि भाई साइंस रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी रिसर्चेस हो रही हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको इजीली एक्सेसिबल कराना किसके लिए? पब्लिक के लिए, सोशली सोसाइटी के लिए। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स को अवेलेबल कराना ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, एंड दैट इज योर SSR, दिस इज साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद अगर हम बात करें सर्ब की, SERB की बात करें, तो SERB आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी ध्यान रख लो। अभी मैंने तुम लोगों को BEE बताई थी, BEE वॉज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर, बताओ, चलो कमेंट करके बताओ, तब तक आगे बढ़ती हूँ मैं। SERB इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है एंड दिस इज अंडर योर, ये डिपार्टमेंट आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर आता है। अब ये क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सो दिस इज ऑल्सो स्टैब्लिश अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इतना समझ आ गया। अब ये जो सर्ब है, दिस वॉज सेटअप, ये सर्ब को क्यों सेटअप किया गया था? ये सर्ब को इसलिए सेटअप किया था टू प्रमोट बेसिक रिसर्च। भाई साइंस से रिलेटेड है, रिसर्च से रिलेटेड है, तो रिसर्च प्रमोट करोगे ना। सो यू हैव प्रमोटिंग, यू विल, दिस वॉज सेटअप टू प्रमोट बेसिक रिसर्च, और ये रिसर्च साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड की रिसर्च की बात कर रहे थे, और उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स को हमें इनने साइंटिफिक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, उनसे रिलेटेड चीजों के लिए ये सेटअप किया गया था। ओके, इसके अलावा इट हैज अ मैंडेट, इट ऑल्सो हैज अ मैंडेट टू प्लान, प्रमोट एंड फंड इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रिसर्च। तो ये सर्ब जो आया था, ये इसलिए आया था दैट यू प्लान, प्रमोट एंड फंड कौन से प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, आप उन प्रोजेक्ट्स को उन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करो, प्लान करो, प्रमोट करो, जो भाई इंटरनेशनली आपको मदद कर सकते हैं, इंटरनेशनली आपके जो प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं, ऐसी चीज़ों को लेकर आओ। सो दैट वाज सर्व। एंड सर्व की कुछ और इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं, एक तो अभी हम ये प्रिज्म की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रिज्म, यहाँ ऊपर मैंने दिखाया तुमको। इसके अलावा देर आर सम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ सर्ब, एक है सर्ब पावर स्कीम, एक है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, ये भी सर्ब की है याद रखो, एंड देन यू हैव नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। तो ये एक एक स्कीम यहाँ पे देख लेते हैं, आपकी जो सर्ब पावर स्कीम है, दिस पावर स्टैंड्स फॉर, ये आपका जो पावर है, सर्ब का जो पावर है, इट स्टैंड्स फॉर प्रमोटिंग ऑपरचुनिटीज फॉर विमेन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम। दिस इज बेसिकली फोकसिंग ऑन, इसका स्पेशल फोकस किस पर है? दिस W स्टैंड्स फॉर विमेन, तो ये वुमेन रिलेटेड स्कीम है स्पेशली फॉर वुमेन, एंड दिस इज ट्राइंग टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी। ये वुमेन के लिए एक स्कीम है विच इज रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च से रिलेटेड स्कीम है, वुमेन के लिए स्कीम है, एंड वुमेन के लिए अगर स्कीम आई है, मतलब इट इज ट्राइंग टू मिटिगेट द जेंडर डिस्पैरिटी। मिटिगेट द जेंडर डिस्पैरिटी मतलब ये जेंडर डिस्पैरिटी, जो डिस्क्रिमिनेशन डिस्पैरिटीज आपकी वुमेन और मेन के बीच में है, उस जेंडर डिस्पैरिटी को कम करने के लिए आया है। ओके, इतना समझ आएगा। सो दिस वॉज योर रिगार्डिंग सर्ब, एंड सर्ब से रिलेटेड हमने तीन स्कीम्स और देखी, जिसमें हमने एक सर्ब पावर स्कीम को डिटेल में देखा कि ये विमेन से रिलेटेड है, प्रमोटिंग ऑपरचुनिटीज फॉर विमेन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च स्कीम, ठीक है, ये आपकी सर्ब की पावर स्कीम थी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सर्ब जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और विच इज अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक, एक ये चीज हो गई। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द पोर्टल, किस पोर्टल की बात कर रहे हैं हम? वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिज्म पोर्टल, जो आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किसकी? प्रोजेक्ट्स की, जो ये वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है इसको, जिसको ये फंड करता है या सैंक्शन करता है। सो दिस वॉज ऑल रिगार्डिंग आपका सर्व, एंड हियर वी रेड अबाउट लाइक प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, प्रिज्म की बात करी हमने। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, इतनी चीज समझ में आ गई। आधा घंटे का लेक्चर हो चुका है, वी कैन स्टॉप योर, एंड मे बी वी कैन टेक अनदर आधे घंटे का लेक्चर बाद में एंड कवर मोर टॉपिक्स। तो अभी हमने यहाँ पे, अगर मैं इंडेक्स पे जाके आपको बताऊँ, जस्ट अ सेकेंड, सो इफ आई लुक हियर,
वी आर डन विद स्टेट इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट इशू, मेरा राशन मोबाइल ऐप कर लिया, E3 कर लिया, एक्सपेंशन ऑफ मिड डे मील कर लिया एंड हमने ये सर्व देख लिया। अगली क्लास में हम चार पांच आर्टिकल्स और देख लेंगे एंड ऐसे वी विल धीरे धीरे कंप्लीट द एंटायर मैगजीन। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एन इशू। जो लोग यहाँ पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन दबा लो और शेयर भी कर देना। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल, जिन लोगों को नहीं पता है वो ये टेलीग्राम चैनल नॉलेज आर करके ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वगैरह मिल जाएंगी। एक चीज़ और है कि अगर नहीं मिल पाता है ये चैनल तो कमेंट कर लो, कमेंट सेक्शन पे आई विल सेंड यू द लिंक। ओके, सो दिस इज इट, वी आर डन विद इट राइट नाउ। और डू लाइक इट, डू शेयर इट, कोई और रिव्यूज हो, कोई और सजेशंस हो, पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम ओपन टू इट ऑलवेज। एंड या आई वुड बी टेकिंग अ क्लास, समबडी वॉज आस्किंग इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड बी टेकिंग द हिस्ट्री क्लास रात को, ठीक है, मे बी 9:30 अराउंड, 9:30 के अराउंड आई विल टेक हिस्ट्री। ओके, चलो पढ़ो, तब तक मिलते हैं फिर बाद में, थैंक यू सो मच।